हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्लैम बाय फराशा। हाजिर हूँ आपके सामने एक और नई वीडियो के साथ। तो आज की जो वीडियो है वो होने वाली है कि आप एक फ्लॉलेस बेस कैसे बना सकते हैं, स्पेशली वो लोग जो 30+ हैं या जिनकी थोड़ी मैच्योर स्किन है, वो अपना बेस किस तरीके से कर सकते हैं ठीक है कि वो फ्लॉलेस लगे, ओवर ना लगे, केकी ना हो। तो उसके लिए आपको क्या स्टेप फॉलो करने हैं, मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊँगी। तो आज की वीडियो को पूरा देखिए और ध्यान से देखिए। ओके, तो सबसे पहले आपको अपने स्किन को बहुत अच्छे से ना मॉइस्चराइज कर लेना है। वो कोई भी मॉइस्चराइज़र हो सकता है, आपको जो भी अच्छा लगे, मैं कोई रिकमेंड नहीं करूँगी ठीक है, क्योंकि वो इतना ज़रूरी नहीं है। आपने अपनी स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज़र करना हो, जो भी आपके स्किन को सूट करता हो। मैंने सेटाफिल का यूज़ करा है और एम्ब्रोसिस का भी यूज़ करती हूँ, वो भी बहुत अच्छा है। इसके अलावा आपको जो भी पसंद हो, अपनी स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज़ करें, उसे हाइड्रेट करें ठीक है। उसके बाद फर्स्ट स्टेप जो आपने करना है ना, वो आपने करना है अपने स्किन पे लगाना है प्राइमर। अगर आपके ओपन पोर्स हैं तो एक ब्लरिंग सा प्राइमर आप अपने फेस पे लगा लो, ताकि वो पोर्स ब्लर हो जाएं और आपकी जो है स्किन वो इवन लगे। ये जो पूरा स्टेप बाय स्टेप जो पूरा प्रोसीजर है ना, मैं आपको आधे पे करके दिखाऊंगी और आधा ऐसे ही रहने दूंगी, ताकि आप लोगों को एक आइडिया आ जाए कि उससे कितना ज़्यादा फ़र्क पड़ता है ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा जी, मैं यूज़ कर रही हूँ बेनिफिट का प्रो प्रोफेशनल प्राइमर ठीक है, ताकि मेरे पोर्स अच्छे से फिल हो जाएं। और ये आपको पूरे फेस पे लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप जहाँ जहाँ आपके ओपन पोर्स हैं आप वहाँ पे इसे अप्लाई कर सकते हो। थोड़ा सा आपने अप्लाई करना है अपनी फिंगर की हेल्प से, ताकि आपके पोर्स जो हैं वो ब्लर हो जाएँ। उसके लिए ये बहुत अच्छा प्राइमर है, और ग्लोविश का जो हुदा का प्राइमर है वो भी बहुत अच्छा है। तो इसको अपने फेस पे अप्लाई करें और ये देखें, दिस साइड और दिस साइड। सिर्फ आपने अपने ओपन पोर्स जो है ना वहां पे इसे अप्लाई करना है। ये आपको एक बेस दे देगा, इवन बेस दे देगा, तो आपकी जो है वो फ्लॉलेस बेस आपका लगेगा। क्योंकि जब भी आप फाउंडेशन वगैरह कुछ लगाते हो, तो उसके नीचे से अगर आपके ओपन पोर्स हैं तो वो बहुत ज़्यादा शो करने लगते हैं ठीक है। आधे फेस पे मैंने ये अप्लाई करा है, इसको थोड़ी देर के लिए सेट होने दें, एक मिनट के लिए इसे छोड़ दें। अच्छा जी, प्राइमर लगाने के बाद हमने उसे थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया था ठीक है, ताकि वो अच्छे से फेस पे सेट हो जाए। तो इस साइड मैंने कुछ भी अप्लाई नहीं करा, सिर्फ मॉइस्चराइजर लगाया हुआ है और इस साइड पे मैंने प्राइमर लगाया है ठीक है। अगर आपकी मैच्योर स्किन है और टेक्सचर्ड स्किन है, तो आपने मतलब 30+ 40+ के बाद जो है आप थोड़ा इतना ज़्यादा और उससे ज़्यादा 40+ 50+ जितने भी हैं जो आपकी मैच्योर स्किन होती है, 30+ के बाद 30 तक भी आप कर सकते हो, बट 40-50s में जाके आप बहुत ज़्यादा मेकअप नहीं करते, और आपको बहुत ज़्यादा लेयरिंग भी नहीं करनी चाहिए, बहुत ज़्यादा हैवी मेकअप नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो फिर बहुत ज़्यादा अलग सा पता चलता है ठीक है। तो मैं उसके लिए बता रही हूँ, 40-50+ आप लगा लें उसके लिए आपको बता रही हूँ। तो आपने जो है करना है, और आपने बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट अपने फेस पे नहीं लगाना है, बहुत ज़्यादा लेयरिंग नहीं करनी है ठीक है। तो उसका जो मेन एक आप समझ लें एक की होती है ना मेकअप की, वो होती है लेस इज मोर ठीक है। तो आपने प्राइमर लगा लेना है, इसके बाद आपने लगानी है इसके ऊपर से फाउंडेशन। अच्छा, एक अच्छी फाउंडेशन ले लें जिसकी कवरेज अच्छी हो। तो उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मेकअप फॉरएवर की HD स्किन फाउंडेशन। आपने बहुत ज़्यादा नहीं लेनी है, इसको अपने हैंड के ऊपर पीछे एक पंप आप लें, और उसके बाद अपनी फिंगर के हेल्प से आप जो है इसको अपने फेस पे अप्लाई करें, जहाँ जहाँ आपको लगता है। बहुत ज़्यादा आपने नहीं लगानी है ठीक है। ये अच्छी फुल कवरेज फाउंडेशन है, तो ये इजीली आपके फेस पे ब्लेंड हो जाएगी जितनी ज़रूरत है। पहले इतनी हम अप्लाई करके देखेंगे, अगर हमें लगेगा कि इससे ज़्यादा की ज़रूरत है तो इससे ज़्यादा अप्लाई करेंगे। आप चाहें तो इसे अपने हाथ की हेल्प से भी अप्लाई कर सकते हो ठीक है, और आप चाहे तो ब्रश से, ब्यूटी ब्लेंडर से, जिससे मर्जी चाहे आप अप्लाई करो ठीक है। तो थोड़ा सा मैं इधर हाथ से करके दिखा रही हूँ, या फिर ब्रश की हेल्प से आप इसकी ब्लेंडिंग कर लो डैबिंग मोशन में अच्छे से। बहुत ज्यादा प्रोडक्ट आपने नहीं लेना है,
ठीक है, इसको मैंने ब्लेंड कर लिया, इस साइड मैंने कुछ नहीं लगाया है और इस साइड मैंने जो थोड़ी सी फाउंडेशन ली थी, एक पम्प से भी कम है क्योंकि बाकी ये आधा पम्प के करीब तो मेरे हाथ पर बची हुई है। ठीक है, इसको हमने लगा लिया फेस पे, नेक पे, अगर आपको लगे तो आप बाकी की बची भी अपने नेक पे अप्लाई कर लो। अच्छा जी, अब आते हैं अंडर आइज़ के लिए। अगर आपके डार्क सर्कल्स हैं और आपको अंडर आइज़ पे कवरेज चाहिए तो बहुत ज़्यादा कलर करेक्टिंग की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए आपके पास ऑप्शन है, या तो आप पीच कलर का एक कंसीलर ले लें और इसको कलर करेक्टर ले लें और इसे अपने कंसीलर के साथ मिक्स करके लगा लें, या फिर जैसे कि मैं हमेशा लगाती हूँ ये दो शेड्स को अपने अकॉर्डिंग मिक्स करके उस तरीके से लगा सकती हूँ। और अगर आपके पास ये नहीं है तो आपने क्या करना है, एक फिंगर से आप अपनी हेल्प पे ऑरेंज कलर करेक्टर लें। ठीक है, क्योंकि अलग अलग आप अगर पहले कलर करेक्टर लगाओगे फिर कंसीलर लगाओगे वो लेयरिंग हो जाएगी और कभी कभी लोग लेयरिंग को अच्छे से हैंडल नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो आपने लेना है आप थोड़ा सा कलर करेक्टर और इसको आपने कंसीलर के साथ मिक्स कर लेना है। ठीक है, इसी में आप अपना कंसीलर जो है उसे मिक्स कर लोगे तो ये, और फिर इसे अप्लाई करोगे तो ये दोनों काम करेगा। ठीक है, इसे आपने अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है और फिर अपनी फिंगर की हेल्प से, स्मॉल ब्रश की हेल्प से आप इसको अप्लाई कर। कंसीलर लगाने के लिए बेस्ट रहता है आप अपनी फिंगर्स यूज़ कर लो, क्योंकि जो फिंगर्स की हीट होती है उससे आपके प्रोडक्ट्स जो है वो ना बहुत अच्छे से मेल्ट आपके हो जाते हैं। थोड़ा सा आईलिड पे भी आपने लगाना है, बहुत ज़्यादा थिक कंसीलर यूज़ नहीं करना, बहुत ज़्यादा थिक कंसीलर आप यूज़ करोगे ना तो फिर वो केकी लगेगा। आपने जिनकी मैच्योर स्किन होती है उनके लिए ज़्यादा अच्छा रहता है कि वो अगर जितने ज़्यादा हो लिक्विड प्रोडक्ट यूज़ करें, पाउडर प्रोडक्ट या ज़्यादा फुल कवरेज हैवी प्रोडक्ट्स जो होते हैं ना उनसे थोड़ा दूर रहें तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है। ठीक है, आईलिड पे ऊपर की तरफ भी आपने इसको फिंगर की हेल्प से लगा लेना है। एंड यू कैन सी द डिफरेंस, क्योंकि इधर मैंने बिल्कुल कुछ नहीं लगाया है, मैं सारा प्रोसीजर इधर ही करके आपको दिखा रही हूँ। ठीक, अच्छा जी, डिफरेंस आप देख सकते हो बिफोर और आफ्टर। ऐसा नहीं लग रहा है कि मैंने बहुत ज़्यादा मेकअप करा है, बिल्कुल मेरी स्किन ही की तरह ही लग रहा है। इट्स लुक लाइक माई स्किन बट इन बेटर वे। ठीक है, यहाँ थोड़ी पिगमेंटेशन डार्कनेस है और ये बिल्कुल ईवन है और बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा है कि आपने बहुत ज़्यादा फाउंडेशन कुछ केकी बेकी, ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। अभी हमने सिर्फ जो है प्राइमर लगाया है, फाउंडेशन लगाई है और कलर करेक्टर हमने कंसीलर में मिक्स करके लगाया है। ठीक है, तो पूरी एक ही लेयर जैसा लग रहा है। जितने कम प्रोडक्ट्स लगाएंगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा है। अब हम आते हैं कंटोरिंग की तरफ। ठीक है, कंटोरिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हो आप लिक्विड वाला जो हल्के इजीली ब्लेंड हो जाए, जो कंटोर स्टिक्स वगैरह होती हैं ना वो बहुत ज़्यादा थिक होती हैं। जैसे जो मैं कंटोर स्टिक्स यूज़ करती हूँ, मेकअप बाय मारियो की है, ये है, इन ये जो प्रोडक्ट होते हैं काफ़ी थिक होते हैं, हैवी होते हैं। जो लिक्विड प्रोडक्ट है अगर आप यूज़ करो तो काफ़ी लाइट वेट होता है और बहुत ज़्यादा नहीं लगेगा। तो इसके लिए मैं शी ग्लैम का कंटोर यूज़ कर रही हूँ और बहुत ही थोड़े से इसको ये मैं पॉइंट्स पे लगाऊंगी जहाँ बस मुझे हल्का सा शेप देना है अपने फेस को। ठीक है, और इसे ब्लेंड कर लेंगे। बहुत ज़्यादा हमने हैवी कंटोरिंग नहीं करनी है। आप चाहे तो इसे हाथ से ब्लेंड कर लो या चाहो तो इसे ब्रश से ब्लेंड कर लो या ब्यूटी ब्लेंडर से, जिससे भी आपको अच्छा लगे, बट आपने इसको ब्लेंड कर लेना है इजीली। जो हम फोरहेड पर लगाते हैं उसे ऊपर की तरफ को हल्का सा ब्लेंड करेंगे। सिर्फ आपने अपने फेस को ना एक शेप देनी है, अपने फेस को के शेप को इन्हेंस करना है। ठीक है, जस्ट लाइक दैट, और जॉ लाइन पे नीचे की तरफ, दैट्स इट। बहुत ज़्यादा हैवी कंटोरिंग की आपने ज़रूरत नहीं है। ओके,
बिल्कुल इतनी हल्की सी कि सिर्फ आप कंटूरिंग हमारी डन हो चुकी है। देखें बस खाली हल्का सा आपने अपने फेस के शेप को इन्हांस करना है, बहुत ज़्यादा हैवी कंटूरिंग नहीं करनी है। सेम ही आपने ब्लश यूज़ करना है, बहुत थोड़े अमाउंट में। मैं रेयर ब्यूटी का ब्लश यूज़ कर रही हूँ इन शेड होप, ये बहुत प्यारा शेड है और ये वाले जो हैं वो काफ़ी पिगमेंटेड हैं। रेयर ब्यूटी के जो ब्लशेज हैं इनको आपने हाई पॉइंट्स पे अपने थोड़ा सा लगाना है और फिर इसको करना है ब्लेंड फिंगर से, ब्रश से, इट्स अप टू यू एंड जस्ट एनहांस योर चीक बोन्स, दैट्स इट, बहुत ज़्यादा नहीं। आप चाहें तो थोड़ा सा अपने फोरहेड और चिन पे लगा सकते हैं जैसा कि मुझे पसंद है, मैं हमेशा लगाती हूँ। थोड़ा सा ही आपने ब्लश अप्लाई करना है और ये देखें कितनी ज़्यादा सटल लुक आपके फेस में आ रही। अच्छा अब आती है सेट करने की बारी। जितना ज़्यादा हो सके आपने पाउडर प्रोडक्ट से जो है दूर रहना है। मोस्टली हम सेट करने के लिए इस टाइप के सेटिंग पाउडर्स जो हैं वो यूज़ करते हैं इसमें, बट मैं प्रेफर करती हूँ इसके लिए आपने जो है ना यूज़ करना है कॉम्पैक्ट पाउडर की तरह या वो जो भी है कॉम्पैक्ट फाउंडेशन इस टाइप की जो आती है उसे आपने लेना है और एक ब्रश पे, फ्लफी ब्रश पे लेके आप इसको इस तरीके से ले लो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा थिक नहीं होती है। जो हम बेकिंग के लिए यूज़ करते हैं ना वो बहुत ज़्यादा थिक होती है, और हल्के से इसे आपने अपने अंडर आइज पे डैप करना है और जहाँ पे भी आपने सेट करना है ना उसको हल्के हाथ से बस आपने सेट कर देना है। बहुत ज़्यादा आपने प्रोडक्ट यूज़ नहीं करना है, जितना कम आप प्रोडक्ट यूज़ करोगे उतना ज़्यादा आपका मेकअप जो है ना वो केकी कम लगेगा और नेचुरल लगेगा। सिर्फ हल्के से आपने हल्के से डैबिंग मोशन में करना है और एक्सेस जो है उसको डस्ट ऑफ कर दें। इसी से ही इससे ज़्यादा आपने ये जो है अप्लाई नहीं करना है वरना फिर क्रीजिंग होना स्टार्ट हो जाती है। ओके तो ये आप देखो। अच्छा जी अब बारी आती है हाइलाइटर की। हाइलाइटर भी आप जितना हो सके लिक्विड यूज़ करो तो ज़्यादा बेहतर है। मैं शी ग्लैम का लिक्विड हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ। बहुत थोड़ा सा हाइलाइटर लेना है और फिंगर की हेल्प से इसे अच्छे से बस ब्लेंड कर दें। ये सिर्फ हल्की सी एक ग्लो देगा आपके फेस को और दैट्स इट। अच्छा जी बहुत हल्की सी आपने आईब्रोज फिल करनी है। आईब्रोज मैंने फिल कर ली हैं, बहुत ज़्यादा डार्क कलर या एकदम ब्लैक कलर से आपने एकदम भर के आईब्रोज अपनी फिल नहीं करनी है। इसी से रिलेटेड मैं एक दूसरा वीडियो भी बनाऊंगी जिसमें आपके मैं को डू एंड डोंट्स के बारे में बताऊंगी कि बहुत सी हम क्या गलती करते हैं मेकअप करते टाइम, ठीक है। तो वो एक अलग टॉपिक है, उस पर मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगी। फिलहाल हल्के से ब्राउन डार्क ब्राउन शेड से आपने जो है अपनी आईब्रोज फिल करनी है। ज़्यादा डार्क और हार्श आईब्रोज एकदम नहीं करनी है। आप आई शेडो के नहीं हैं भी, इफ़ यू हैव अ मैच्योर स्किन और यू आर 40, 50 प्लस 60 प्लस, तो आपने बहुत ज़्यादा आई शेडो नहीं यूज़ करने हैं। एक सिंपल सा बेसिक सा कलर लेके ब्राउन न्यूड्स कोई भी आप लेके आपने अपने आई को डिफाइन करना है, दैट्स इट, अपर लिप पर, और इसे थोड़ा सा बाहर को लिफ्टेड लुक देना, ठीक है। जितना हो सके शिमर वगैरह से अगर हो सके तो यूज़ ना करें, क्योंकि उसकी वजह से अगर आपके रिंकल्स हैं तो वो बहुत ज़्यादा इन्हांस होके दिखाई देते हैं, ठीक है। इसीलिए हाइलाइटर वगैरह और वो अगर इफ़ यू आर 60 प्लस, इतनी ज़्यादा आपकी मैच्योर स्किन है तो उसमें इन सब चीज़ों का काम करें। 30-40 में आप यूज़ कर सकते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम। सिर्फ आपने हल्के से अपने आईलिड पे अपने आईज़ को डिफाइन करना है। अच्छा जी ब्लैक पाउडर शेडो के साथ हल्का सा आपने अपनी वाटर लाइन को इन्हांस करना है और लेफ्ट ओवर प्रोडक्ट को अपने आईलिड पे ऊपर स्मच कर दें, ठीक है। आईलैशेस मैंने पहले से एक्सटेंशन की हुई हैं, आप चाहो तो एक अच्छा सा मस्कारा लगा सकते हो। अगर आपके स्ट्रेक्शन एक्सटेंशन है तो आप वो कर सकते हो। लैशेज अगर आपने लगानी है तो बहुत ही ज़्यादा लाइट वाले लैशेज अप्लाई करें। अच्छा बहुत हार्श आपने अपने लिप्स नहीं बनाने हैं, सिर्फ अपने जो नेचुरल लिप लाइन है उसी को आपने लिप लाइन करना है और उसी को आपने अंदर फिल कर लेना है। ऐसा नहीं करना है कि बहुत डार्क शेड के आपने अलग से आउटलाइन कर ली और अंदर जो है फिर लाइट शेड की लिपस्टिक लगा ली। आपने सेम कलर ही लेना है, उसको फिल करना है, उसके ऊपर से थोड़ा सा ग्लॉस अगर आप लगा लो तो वो बहुत अच्छा लगेगा।
सो दिस इज बिफोर एंड दिस इज आफ्टर, ठीक है? बिल्कुल नेचुरल आपका मेकअप लग रहा है, बहुत ज़्यादा लेयरिंग एकदम नहीं लग रही है, स्किन लाइक फिनिश है। और अगर आप ज़्यादा मेकअप नहीं करते हो तो अगर आप अपने 20s 30s में भी हो तो भी आप इस मेकअप को अच्छे से कैरी कर सकते हो, ठीक है? डेली बेसिस पे आप इस मेकअप को कर सकते हो। बहुत ही लाइट सा मेकअप है, थोड़े से इसमें प्रोडक्ट यूज़ हुए हैं, उनकी क्वांटिटी भी बहुत थोड़ी सी यूज़ हुई है, ठीक है? तो ये देखें पहले और ये देखें बाद में, इतनी फ्लॉलेसली आपका मेकअप डन हो चुका है। डिफरेंस आपको साफ पता चल रहा होगा दोनों साइड में। अब मैं ये साइड भी कम्प्लीट करती हूँ और फिर आती हूँ। और ये रही जी मेरी एन की फाइनल लुक, दोनों तरफ मैंने अब कंप्लीट कर लिया है। तो ये देखें आप कितना फ्लॉलेस और बेस बना है, बिल्कुल ज़्यादा कोई बेकिंग और ऐसा नहीं लग रहा है कि केक ही है या ज़्यादा लेयरिंग हुई भी है, सिंपल सा ये लुक है। आई होप आज की वीडियो से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली हो जो आपके काम आ सके। मेरी वीडियोज़ आपको अच्छी लगती हैं तो उन्हें लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए, थैंक यू सो मच।